नमः शिवाय। आज हम वचन पाठ से अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सरसाइज 1, वचन बदलिए। निम्न शब्दों के वचन बदलने हैं, जैसे महिला महिलाएं। अन्य शब्दों के भी ऐसे ही वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखना है। नंबर 2, अध्यापक गण। नंबर 3, इच्छा। नंबर 4, कविता। नंबर 5, मकड़ी। नंबर 6, कठिनाई। नंबर 7, समस्याएं। नंबर 8, पंक्ति। नंबर 9, रीतियां। नंबर 10, प्रजा। नंबर 11, कला। नंबर 12, सड़क। नंबर 13, मछली। नंबर 14, चिड़िया। नंबर 15, जाति। नंबर 16, लड़का। नंबर 17, भाषा। नंबर 18, कमरा। एक्सरसाइज 2, वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। निम्न वाक्यों के वचन बदलकर उन वाक्यों को दोबारा लिखना है, जैसे लड़की नृत्य कर रही है तो इसका क्या हो जाएगा, लड़की का लड़कियां, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नंबर 2, गाड़ियां लेट आ रही हैं। नंबर 3, घोड़ा घास खा रहा है। नंबर 4, जीवन में कठिनाई आती रहती है। नंबर 5, उसने खाना खा लिया है। नंबर 6, बच्चा बारिश में नहा रहा है। नंबर 7, मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूँ। नंबर 8, हरा अंगूर खट्टा होता है। नंबर 9, वह मुझसे मिलने आया था। नंबर 10, चिड़िया उड़ गई। एक्सरसाइज 3, कोष्टक में दिए शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थान भरो। नंबर 1, आपकी डैश आपको कचोटती है। निम्न इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा, आत्माएं या आत्मा? नंबर 2, गांधी जी देशभक्त थे, सच्चा या सच्चे? नंबर 3, हमारे देश में 6 होती है, ऋतु या ऋतुएं? नंबर 4, पेड़ से डैश गिरते हैं, पत्ता या पत्ते? नंबर 5, डैश अपनी कविता सुना रहा है, कवि या कवि गण? नंबर 6, मीता ने सारे डैश खोल दिए, दरवाजा या दरवाजे? नंबर 7, राहुल ने 1 खाई, कचौड़ी या कचौड़ियाँ? नंबर 8, पिंजरे में डैश बोल रहा है, तोता या तोते? इन वाक्यों में उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वचन पाठ के सभी एक्सरसाइज को हिंदी लैंग्वेज कॉपी में सॉल्व करना है और इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है। नमः शिवाय।